दहेज में बंदूक। आर्यम पवित्र पवित्र पंडित, तुम देखे कैसे देख रहे दीदी ने फाड़ फाड़ के, जैसे उसने कभी लुगाना देखी हो। बड़े दांत फाड़ दिए। अरे स्वामी बच्ची ना तो हस्ती भी मुंह की चैन सी खोल ले। और हमारे दांत है, हम नु दिखावे तो तुम दिखा दो। अरे बब्बू, एक महीना तो ये नहाए ना होंगे। पाँच रुपए वाली क्रीम पाउडर लगा रखी है। ऐसी लग रहा है तुमसे ढूंगे रगड़ ले। अरे बब्बू, इन्हें बोला ना तू गीत गा ले। चौधरी यू बात तो पहले ही तय हो गई थी। सुख की बेटी है मेरे धोरे, तो और बता के दू मैं। मन्ने तो बड़े लाडो चावो से पाली है अपनी लाली चौधरन। वाजी वाह, लाड चाव तो सभी पाले। दहेज में लेन देन को तो कुछ तो लाया होगा तू। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए नगद, जब फेरे पड़न दूंगी। मगा भगवान किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाया करते, कितना अच्छा माहौल बन रहा था। पर तन्ने दहेज की दुलत्ती मार के सारी खुशी पे पानी फेर दिया, घेर दिया आग सी पे पानी। तू चुप का बैठा रहे, अकेला छोरा है मारे ना, 2-4 है फेरे जब होन दूंगी। न्यू पूछ पहले के देवेगा इस दहेज में। पर चौधरी न्यू बता, मैं के दे दूं सिवा बेटी के मार दोरे है के और। क्यों ना है तेरे दोरे, कोठा है बरामदा है, इसे सब गिरवी धर दे। अब चौधरी न्यू बता, इस सारे सौदे को गिरवी धर के छोटे जो बालक है इनका गला घोट दूं मैं। मेरी आबरू मत तारे चौधरी। तो मंत्र पढ़ू जजमान? तू चुप का बैठा है पंडित। बड़े गरम मिजाज की चौधरन है। मैं क्या कर रही है, कहाँ है तू? मैं क्या करती, मैं थोड़ी सी हड्डी घोड़ रही हूँ समझी क्या, थापा मारन खातर। अरे बैरन, थापा तुम्हारी तकदीर में लगने को हो रहा आज। क्यों? चोरे की माँ फेरे ही ना पड़न दे रही। न्यू कह रही है दान दहेज लूंगी, दान दहेज घट करके बैठी है।
न्यू के 2 लाख रुपए चाहिए नगद, चाहे जमीन गिरवी धर के दो जाए, कुछ करो। हाय राम, यू हंसी में के खांसी होगी। माँ के बात है, क्यों हो रहे तुम मर बापू परेशान? हे बेटी, एक ओर कुआ एक ओर खाई, दे छोरी की माँ न्यू कह रही है धरती गिरवी रख के दहेज दे दो, ना तो थारी छोरी ने अड़ाई छोड़ जाएंगे। पिताजी तुम दे दो ना जो मांग रहे हैं। हे बेटी, तने तो बिल्कुल भी ख्याल ना करा अपने छोटे बहन भाइयों का। पिताजी ख्याल तो मैंने सबका करा है, पर एक बात सोचो, अगर बारात उल्टी चलेगी तो थारी इज्जत में बट्टा लग जाएगा। बस तुम किसी ढाल फेरों की रस्म पूरी करवा दो, फिर देखो गुड्डी के हाथ। ठीक है जी ठीक है, फिर तुम धर दो घर गिरवी, छोरी भी कह रही है। पर माँ दिखे मुझे दहेज में एक चीज जरूर दे दियो। के बेटी? उरे कुकर कान, मुझे एक बंदूक दे दी। हे ए, उसका क्या करेगी बेटी? यू बात बाद में बताऊंगी। ठीक है चौधरन, हमने घर में सलाह कर ली है, घर गिरवी धरने की सोच ली हमने। गिरवी क्यों धरे? हमें दे दे सारे घर के कागज, 3 महीने के भीतर या तो 2 लाख रुपए पहुंचा दिए, और नहीं सारे घर के मालिक हम हो जावेंगे, और हम राजी महाराज राम राजी। शुभम भवतु शुभम भवतु, मगर यजमान तुम जैसे से भगवान कभी राजी नहीं होता। के कह रहे चोटू? अब मैं तो ये कह रहा हूँ यजमान के मंत्र पढूं क्या? हाँ हाँ पढ़िए, पहले कागज आ जाने दे हाथों में। चौधरन लो ये हमारे घर के कागज। ये हुई ना बात, चल रहा पंडा पढ़ मंत्र। ओम यम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ते प्रम प्रदानं विश्वोद्गर काण विषम, सब लोग वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करो और मेरी दक्षिणा मुझे दो। ओम लो बेटी ला तुझे आशीर्वाद दे दूं। पिताजी तुमने तो मुझे सारी चीज दे दी, तो आशीर्वाद की क्या जरूरत है? अरे बैठाओ रे बैठाओ, छोरी को बैठाओ भाई, विदा का टाइम होगा, चलो रे चलो। जा मेरी बेटी, लाडो सदा सुखी रहिए, बड़े लाडो से पाली मने तू। बेटी भगवान रखे गरीबों की लाज, और बेटी रखे बाप की लाज, देखे मेरी इज्जत का ध्यान रखिए बेटी। पिताजी माँ बाप की इज्जत का ध्यान और अपना धर्म तो औरत ने कभी भूलना नहीं चाहिए, और मैं तो ना भूली ना भूलूं, अब तुमसे बेफिक्र रहो, गुड़िया अपनी रक्षा खुद करेगी। न्यू तो मैं भी जानू तेरे में छोरों में कोई फर्क नहीं है, छोरों से भी ज्यादा हौसला है तेरे में, पर दिखे बेटी ससुराल में अच्छी बहू की ढाल रहे करे, घनी ना बोला करते मेरी बेटी, सास ससुर की सेवा में मेवा है, पति के प्रेम में परमेश्वर है, छोटे देवर ननद से कदी ना लड़िए, इन बातों ने मेरी याद रखी बेटी, ससुराल में सुरग बन जाओगा तेरे लोग हर सारा। अरे चलो रे गाड़ी स्टार्ट करो, चलो रे टाटा। के कया टाटा? मुंह पे मारूंगी चाटा काड़ी आके, और मैं पैर ही पैर में बाटा। लेली दार लेली भाई, चलो चलो। अरे मुन्ना नु सुने सुखपाल की बहू आई। अरे चलो सामान देखेंगे, चल वानु देखेंगे दहेज में के लाई। अरे ताई, अरे के सामान लाई तेरी बहू, हमें भी दिखा दे। अरे जो है इस बक्से में धरा है, खोल तो ताला इसका। ए, इसमें ऐसा मोटा ताला लगा रखा है, ऐसे के इसमें हीरे धरे, तोड़ देता ताई। अरे भैया कैसे चौक दिए सारी लौंडिया, अरे के दिख गया इसमें। अरे जब बहुत दहेज में सामान ऐसा लेकर आई। अरे केलाई भाई हमें बता दे। ले सुन ले। ओ बहू बिहाली सुखपाल की घरवाली, दहेज में दूनाड़ी लेके आई बंदूक रे, वो दम देख के कुण बेका गया सूक रे, ओ कैसी बिहाली युवाई निराड़ी, दहेज में दूनाड़ी लेके आई बंदूक रे, वो दम देख के कुण बेका गया सूक रे। खोल के देखा संदूक तो सारा, खोल के देखा संदूक तो सारा, कांप सांस का कांप गया, ऐसे उछड़ गई जैसे पांव के नीचे,
मचा गाँव में हल्ला पल्ला करके दुल्हन ऐसी आई मारन का सौदा लाई ना छोटी कति चूक रे वही तो तेज में लेके आई बंदूक रे बहू प्याली सुपाल की घरवाली दहेज में तू नाड़ी लेके आई बंदूक रे वो तम देख के गुण बेका गया सूख रे बहू है कड़ी हारी मारेगी बारी बारी उड़ा दी मेरी भूख रे वो यू तो दान में लेके आई बंदूक रे। ए बहू एनी बता इस बंदूक को क्यों लाई है तू दहेज में? ताकि तू मेरे पे अत्याचार न कर सके। अरे ए मैं के तेरी दुश्मन हूँ जो तेरे पे अत्याचार करूंगी? जब तू मेरे बाप से न्यू कह सके है कि या तो दहेज दे दे ना तो तेरी बेटी ने बन्नो बनी बनाई छोड़ जाऊंगी, फिर तेरे ते बढ़ के मेरा दुश्मन कौन होगा बुढ़िया? हाय राम ए बहुया डायलॉग सिखा तेरी माँ ने? मेरी माँ ने तो मुझे गोली चलानी भी सिखाई है, दिखाऊं चला के? ए परख कर ले इसे, मेरी सुसरी मेरे और के नाल कर रही है, इसकी गोली चल जाएगी। बुढ़िया डर गई, बड़ी शेर बन रही थी मेरे बाप के सामने। ए तू बहू है सोले की बसंती है? ना मैं बसंती हूँ ना मैं चमेली हूँ, मेरा नाम है गुड़िया, तेरी अक्ल ठिकाने कर दूंगी बुढ़िया। अरे मेरे राम, अरे सुनो हो के सुखपाल के पापा तने पूरा कुछ सुनियो। क्यों मेरे टैटवे पे चक्कू अड़ा के बहू से यू कहेगी के या तो मुझे छोड़ दे वरना इन्हें मार दूंगी? मका मुछा रू रखू आके देख, देख बहू के हाथों में बंदूक है। फिर मुझे के छत्ती तरह अड़ा के खड़ा करे नक्शी, दहेज मांगा तन्ने, दहेज में तो बेटी का बाप बेटी को कुछ भी दे सके। बुढ़िया बुढ़े ने क्यों ढाल बना रही है, दहेज तो तन्ने मांगा, मारूंगी तो मैं तुझे ही। बहू दिखाई घर खानदानी है, मुंह पे घूंघट ओढ़ के बात कर। बुढ़िया जब हमारी भारत सरकार ने ही सिर पे हेलमेट ओढ़ने के लिए लुगाइयों पे जोर न दिया तो फिर तेरी की ताकत है जो तू मुझे ओढ़ना उठा देवे? और फिर जो मैंने घूंघट करा तो मेरी क्रीम लिपस्टिक का क्या होगा, पैसे उठाए मेरे बाप ने? सुखपाल के पापा, ओ सुखपाल के पापा, रब के आफत आ गई के बेर बेर कह रही है तू मुझे? कहती के मुझे तो भोंकड़ा था डर लग रहा है। रे क्यों के कर दिया बहू ने ऐसा? अब देखे इस बंदूक की नाल को रोज मेरी सुसरी मेरी ओर को दिखा दिखा के साफ करे है। नाल को साफ करे? हाँ। फिर मैं के करूँ? करते के इसका रहा करो, इसके हाथों में बंदूक इस ढाल लगे है जैसा पाकिस्तान वालों के हाथ में परमाणु बम हो, राम जाने किस घड़ी बहुत बड़ा विस्फोट कर दे। अरे फिर तू मुझे क्यों बॉर्डर पे खड़ा कर रहा है के मेरी बलि चढ़वाओगी इस बहू के हाथों? मगर नकटी न्यू कहा करे दबी बिल्ली मुझसे तक कान कुतरवावे, काट ले चक्की तड़े तो हाथ कर ले अपनी गुजर। वाजीवा यू कोई गुजर हो है? बकरी के आगे शेर को बांध दो तो वो तो आप ही मर लेगी सूख सूख के। अरे राम की बच्ची आज तू बकरी कैसा बनगी, तू तो शेर नीति शेर नी। ये तो मेरी बात सुन ले, या तो इस घर में ही बहू रहेगी या मैं रहूंगी। बस कंटों की दौड़ बिटोड़े पे वही पुराना डायलॉग, या तो मैं रहूंगी इस घर में या बहू रहेगी। अरे मैं यूं कहूं दोनों ही रह लो, मजेदारी तो उसमें है, ना बाप का घर उजड़ा और ना बेटे का उजड़ा। मैं इस शोक को इस घर में तक काट के छोड़ दूंगी, छोरे ने इसकी मांग के भर दी, मेरी सुसरी हरदम बंदूक भरो रखे। बुढ़िया गुड़िया है मेरा नाम, मन्ने के काट देगी तू इस घर से, इस ढाल काटनी है मन्ने तू, जिस ढाल दूध में से मक्खी, देख गुड़िया के हाथ, हाथ के मैं तेरी टांग भी देख लूंगी, तेरी साड़ी को पाड़ के काटू बंदूक, तन्ने रुक जा। देख लो जी देख लो, सुखपाल के पापा मैं इसे कुछ कह रही हूँ, मेरी सुसरी खामोखा की ना उठा रही है, ए मैं कुछ कह रही हूँ तुझे नंगनी? डर गई बुढ़िया? ओ नकटी दिखे यू कया करे
ओठ से चोट को ना रुके करती है। तू बेर बेर मेरी ओठ ले जावे, एक काम कर ले, जहाँ ताकत से काम ना चलता है ना, वहाँ दिमाग से काम लेना चाहिए बावड़ी। भला बंदूक के आगे दिमाग के चले है किसी का? अरे मैं तुझे एक बात समझाऊं, मान ले बावड़ी, तू दिखे तू किसी डाड़ी इस बंदूक को कहीं दिखा दे, किसी कच्चिया बच्चिया खरीदने वाले को दे दे, और या किसी कुड़ी में दाब दे, तेरे काबू में जब आ सके यू बहू, ना तो इतने बहू के हाथों में ही बंदूक रहेगी ना बावड़ी, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम दो हैं और उस पर दुनाड़ी है। यू तो बात तुम ठीक कहो हो, पहले दुश्मन तो छीने हथियार और फिर करे उस पर वार। भैया है कोई डंगल डोर कटड़ा बचड़ा भैंस बिकाओ? अरे वो व्यापारी के हाथ आई के बात है, पूरा कोई है तनक? हाँ ले आ गया। अरे न्यू बता, बंदूक भी ले लगा के? बंदूक? अरे मैं भैंस डंगर खरीदने वाला हूँ, बंदूक था कौन सा मजे, हिरण मारने मरवावगी मजे। अरे बेकूफ, घर में चीज पड़ी रहे तो काम ही आ जावे, किसी को बेच बात दिए और मैं तो तुझे मंदी दे दूंगी 4 रुपए में। अरे तू तो बता, तू कहीं तो फ्री में लगी तेरे हाथ या? अरे फ्री में क्यों लगती, दहेज में मिली। अरे तो फिर दहेज कौन सा मोल लेना पड़े, मांग करो और माल बतेरा। अरे दिखे घना तो बोले मत ना, घना बोलने को तुम्हारा मुन्ना बाजी बतेरा, तुझे लेनी हो तो ले ले और दिखे किसी से कही मत ना। अरे एक बात बता भला जी, 40,000 की चीज मुझे 4 रुपए में मिलेगी, मैं क्यों ना लूंगा, लिया था फटाफट ठाक है। क्यों रे, अरे के देवे थी मेरी सासू तुझे? अरे देती के एक कटिया बता, मैं कटिया देती गई है। कटिया? तेरे थोड़े पे ऐसा मारूंगी रेपटा खींच के। कटिया देवे थी मार तो ना, कटिया ना बचिया मार तो कटड़ा है, दिखे पकड़वा दूंगी, झूठ बोलेगा तो मेरा पिताजी दरोगा है, बजेंगे पिछोंडे पे रूल। बंदूक की ना कह रही थी वो, सारी सुन ली मैंने। अरे भगवान फंस गया आज तो। एक बात सुन, तू मेरी सासू ने ले लेगा के? सासू ने? कमाल है भाई, सास बंदूक बेच रही, बहू सासू को बेच रही, पता ना ये भगवान के सोच रही, पता ना इनका क्या राड़ा। भला मैं बंदूक और सास खरीदता फिरूं के, मैं तो डंगर बचिया कटिया खरीदता फिरूं। तू खरीदन की गर हामी भरे, अपनी सासू को कटिया के भाव बेक दूं, जो नाराज इस गेल तेरे जावेगी यूं, इसके माथों में खड़वे मैं सौ सेक दूं। तू खरीदन की गर हामी भरे, अपनी सासू को कटिया के भाव बेक दूं।
देखे भी एक बात बता, मैं तेरी सासू को ले तो लियो पर नो बता उसके मैं चार गेरूंगा। मैंने तो उसे पहले ही ताई कह दिया। क्यों, तेरा बापू ना है? हाँ बापू तो है, मारी माँ तो है। मैं देखा छोटे छोटे को छोड़ के मर गई थी, बेचारा रंडो है, बहुत दिन तक छुट्टी काट रहा। फिर उसका ही भला कर ले, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। ले जा मेरी सासू ने, कटिया के भाव देर लग रही हूँ। पर मैं उसे लेके डाल जाऊंगा, वह कोई मुर्गी का बच्चा तो है ना जो थैले में धर लू, वह तो पूरी 1.5 क्विंटल की भैंस है। दिखे जब मेरी सासू बंदूक लेके आवे ना तो उसे न्यू कहिए, रीताई मने तो डर सा लग रहा है, तुझे यू बंदूक अपने ओढ़ने में लपेट के और मेरी गैल चल के यू बंदूक मेरे घर तक पहुंचानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, जब वो तेरे घर चली जाए तो बस तू बाहर से ताला लगा दिए। ठीक है, ऐसा ही कर लूंगा। पर एक बात तो बता, तू तेरी सासू के बदले में तुझे के दे दूं? तू के देवेगा मुझे, मेरा घर तो सब चीज है, बस 400 रुपए दे दे। 400 रुपए? 400 रुपए में सासू? बोले तू भी क्या याद रखेगी, ये ले 400 रुपए और फटाफट लिया अपनी सासू को। ठीक है, अब मेरी सासू तेरी होगी और मैं जा रही हूँ अपने घरों। वो आन लग रही है मेरी सासू, पकड़ उसका हाथ और हो जा 9-10-11। अरे ताई बड़ी वार कर दी, इतनी देर में तो मैं 5-4 कचिया बछिया खरीदता, कहाँ लगा दी इतनी वार? अरे लाला वार के लगा दी, मेरी सुसुरी ने घर में दुबका कर रख रखी थी, बड़ी मुश्किल से लाई है ढूंढ के बंदूक। ठीक करा भी ले, पर ताई तुझे एक काम करना पड़ेगा, इस बंदूक को अपने ओन्ने में लपेट के और लखो के देखा मेरे घर तक पहुंचानी पड़ेगी तुझे। अरे ले सकू मैं इसको? अरे नास गए, सारे काम मेरे पे करवावेगा के? बिरयू काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, और हमारा गाँव है ही कितनी दूर, 5 मिनट का रास्ता, यूरा 10 कदम पे हमारा गाँव, फटाफट देगा राजी है। ले तो चल, चल रही हूँ मैं लाला, ले चल। हाँ चल। ले लाला तू गांव में ही जाके के करेगा? हाँ। ले अब तो गांव तो बाहर आ गए, तू ले जा इस बंदूक को। मैं ले जाऊँ इस बंदूक को? हाँ। तू कहाँ चली? मेरी गैल चलना पड़ेगा, इव लोग तो थी तू मेरी ताई। हाँ। और इव होगी तू मेरी माँ। कैसा होगी रे तेरी माँ? देखे मैं तुझे खरीद कर लाया, मैंने तेरे खरीदने में 400 रुपए खर्च कर रखे, बहुत मोटी रकम खर्च हो रही मेरी, खरीद के लाया मैं तुझे। अरे भागियो रे गांव वाले, देखे व्यापारी का मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे, भागियो रे भागियो। रे ताऊ, रे ताऊ सुनो तो सही, मजा क्यों मारो हो, क्यों पकड़ो मुझे? बात पूछो बस सारी। अरे बात के पूछो, इसकी इसकी बहू ने 400 रुपए में बेची मुझे, मैं तो अपने बापू के लिए लेके आया ऐसे। अच्छा खरीद कर लाया? हाँ। अच्छा डंग डोर समझ लिया, अभी इंसान भी बिके, चला जा साले, नहीं हाथ तोड़ दूंगा, लठिया जोड़ दे, कसाई का बीज। अरे लुट गया भाई, जेब में तो 400 रुपए चले गए, ना बुढ़िया मिली ना बंदूक मिली, पता ना आज किसका मुंह देखा था, तड़की तड़क चल रही ताई, था अपनी बंदूक दिखे ना, घुमा करते अपनी बंदूक को लेकर चौकस रख रहे। भैया मैं तो गिद्दड़ मारने के लिए आई थी, सुखपाल के पापा, ओ सुखपाल के पापा। अरे के बात है, कुछ हुआ भी अब? देखो मेरी सुसरी कहाँ बढ़ रही है यू? अरे क्यों के कर दिया इन्ने अब? के कर दिया इसने, तो आज ऐसा काम कर दिया कि कोई बहू नहीं कर सकती अपनी सासू की गैल, इसने मैं आज 400 रुपए में बेच दी व्यापारी को। अच्छा काढ़ू बंदूक, रुक जा, देख 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 सुखपाल के पापा, रोक इसे रोक। रे देख ले पैर पैर मुझे आगे क्यों डाल लग रही है। डर गई बुढ़िया, हाय मेरी शौक देखे, डरावे है और फिर दांत पार के हंसे है, जने के सोच रखी है इसने। रे मैं यूं कहूं देखे, यूं बहू तेरा नाथ गाल लेगी मेरी बात को, तू लिख ले, तू बड़ी बछेरी की ढाल फूद के थी इस घर में, अब सुलट ले इस। सुखपाल के पापा, ओ सुखपाल के पापा, मैंने एक स्कीम सोची है। स्कीम सोची? के सोची भाई बता। मैं कह रही हूँ इसे मौलवी के ले जाऊं और वहां इसके तगे तबीज करवा दूं जिससे इसके बालक ही ना हो, और फिर इसे बांझ का करार देकर फिर छोड़ देंगे ऐसा। हाँ तन्ने तो बावड़ी समझ रखी, अनपढ़ समझ रही तू, तो इसे किसे कुछ बुद्धि ना, मैं जो कह रहा हूँ रहने दे तू इसकी क्या लैब करने को, अन्ना तेरे पे घायल छुटवा दी तो कोट चू चू के मरेगी तू। फिर भी देख लू मैं एक फिर कोशिश करके। बहू ए गुड़िया, ए बेटी कहाँ है तू, क्या कर रही है तू? अरे करती क्या, बंदूक की नाल साफ कर रही हूँ। ए तू हरदम बंदूक को लिए बैठी रहे, ए बेटी हर वक्त गुस्से में ना आया करते, देखे सास बहू की लड़ाई तो होती रहेगी, फिर वे अलग थोड़ी हो जावे हैं। अरे आज ही मिर्चों की बोरी में मिठास की झाड़ आ गया, के बात है? ए बेटी
देखे तू खाए पिए भी चोखा है, पर एक बात बता, दिन पे दिन सूखती जावे। मुझे तो न्यू लगे तेरे कुछ ऊपरी है। चला तुझे मौलवी के दिखा के लाऊं। बेटी मेरा भी कुछ हरकत सी है। तेरे के हरकत सी है? ए बेटी देखे मुझे रोज कालू का ताऊ दिखे सुपने में। नास गए ने, जीते जी तो हमें सुख तो रहने ना दिया, पर मरे पीछे भी चैन नहीं लगन देता। 15 साल होगी उत्ते को मरे हुए, पर दुख ही दे रहा है। चल बेटी चल चले। चलो माजी चल। मगा चल तो रहे, पर मेरी बात भी सुन लो। मगा देखे घर तक बाहर निकल के मत ना लड़ियो तुम, कभी आपस में सड़क पर जाएगा चुंडम चुंडा होती फिरो। वाजी वाह, ऐसे के तुमने पागल समझ लिए। चल बाहू चल चल। चलो माजी चलो। बहू तू तो यहीं बैठ और मैं भीतर मिल आऊं जाके। ठीक है माँ जी। अजी हो क्या मौलवी साहब? मका हो क्या? आओ अमा बीबी, हमको हुजरे से बाहर निकलने की कब गांव वाले मोहलत देते हैं? हम तो पूरे दिन हुजरे में ही पड़े रहते हैं। आपको खिदमत बताए किस लिए तशरीफ लाई है? अजी महाराज एक काम करो, म्हारी जो बहू है ना, तुम उसका एक ऐसा तबीज बनाओ जो उसके बालक ही ना हो। अला होल बिला, अरे बीबी ये क्या कह रही हो? हमारा तो काम लोगों की खिदमत करना है, वरना हमें तो अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा। अजी मुझे वो बांध का करार देकर छोड़नी है। ये तो और भी कारी गुनाह होगा ना बीबी, ना मैं ऐसा ताबीज कभी नहीं बनाऊंगा। अजी रहन दो, तुम तो ऐसे ऐसे काम कर दो, पैसे दे दो और तुम चाहे घाल छुड़वा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, दुनिया का कितना ही बुरा कर दो, रहन दो, तुम ऐसे काम ना करो। बीबी आप कुछ भी कहे, मगर मैं ऐसा ताबीज नहीं बनाऊंगा जिससे किसी का बुरा होता हो। आप यहाँ से जाइए। जा चुपका बैठा रहे, आया चल के मौलवी कहीं का। अच्छा तो बुढ़िया की यू प्लानिंग है? मैंने भी तुझे मजाना चखाया तो बुढ़िया मेरा नाम भी गुड़िया ना है। हाँ देख तो सही, 900 मांगे है, कोई बात है? चल बहू चल घर को चलेंगे। के बात है माँ, कैसी बड़बड़ा रही हो तुम? अरे तो कोई बात भी है, इतने पैसे मांग रहा, हद कर दी ना माँ। चलो मैं करवाऊंगी थारा इलाज, थारा इलाज भी तो करवाना है मुझे। अरे मुझे ना करवाना, मेरा ना हो रहा कुछ भी। कुछ भी ना हो रहा? और कालो का ताव ना दिखाई दिया तुम्हें सपने में? उसका भी तो राह बांधना है मुझे। चलो दिखन दे, दिखेगा तो इतने पैसे ना देने, 900 मांगे। तो मैं तुमसे थोड़ा ना मांग रही, मैं दूंगी थारे पैसे। अरे तू रहने दे कालो पालो का ताव आऊ को, जब उस पर जीते जी मेरा कुछ ना बिगड़ा तो आप क्या बिगाड़ देगा मेरा। बहू ए बहू ए मुझे तू न्यू बता, तू जब बनी रहे पटरानी, मैं तेरी नौकरानी हूँ, मैं तो करूँ घर का काम सारा और तू लौटी रहे सेज पे। ये अपने बाप के तो 2-4 बांधी लिया थी। घनी मत बोले बुढ़िया, बांधी ना लाई हूँ तो बंदूक तो लाई हूँ, बता के है तेरे जी में? ए उत्ती मेरे जी में के होती, तू नू बता, जब तू दूध पीवे है तो इन डांगरों का भी कुछ करे कर। मैं कह ली इनका गोबर घेरू, इन्हें न्यार करूँ और गंडा से मैं न्यार काटू। बुढ़िया न्यार क्यों काटे? इन डांगरों ने कटवा दे कसाईयों के, मेरे तो बस की ना इनका गोबर ठाना, मेरे तो हाथ गड़ जाएंगे। अरे मेरे राम सुनियो बहू के बोल, ए मारे तो आज लो हाथ ना गले, तेरे हाथ गले है इसमें। ए राम को सुना या संत राम को? मैं नाय करूँ, मुझे दूध पुणा होगा तो मोल लेके पी लूंगी, बतेरा माल लायू पीहर से। हाँ हाँ मोल तो तू ऐसा ही नीखड़ू दूध पीवेगी, पीवेगी झोर नालों का रला हुआ पानी। फिर पानी नीला मिलेगा तो क्या होगा? गार गोबर तो ना समेटना पड़ेगा, हाथों की मेहंदी और नखून पॉलिश तो ना छूटेगी। रे देखो कितनी कमचोरी लुगाई है यू, ए फ्री का चाहिए था मेरी सुतरी को, फ्री का। मैं न्यू कह रही हूँ बुढ़िया, फिर तेरे में डांटड़े से फूटन लगे, गाली मत न देवे ना तो। ए ना तो ना तो के कर लेगी तू? तेरे भसरे पे ऐसा मुक्का मारूंगी, सारा जबाड़ा दूर पड़ेगा जाके। अच्छा अभी लाई बंदूक काट के तेरी तो? अरे अरे देखिए बात बात बंदूक मर गया। अरे काट दिया मेरा पाँ, अरे धर दिया डंकनी, भैंस का सा खुर मेरे पाँ पे, नाच पिटी देख रही आगे को और चल रही है पीछे को। मका पीछे को ना देख रही, देख मेरी सुसरी कैसी बंदूक ताने आ रही है, जैसे फौजी फौज पे लड़ने जा रहा हो, इसके निशाने तो बच रही हूँ मैं। डर गई बुढ़िया, निकल गई फूक। रुक जा बुढ़िया, आज तुझे सूट करूंगी। अरे ठहरिए बुढ़िया तनक, मगा ऐसा नाल को परे को कर ले, दिखे हंसी में खांसी हो जाएगी और बेमतलब गोली चल जाएगी, मर जाएगा कोई घर में। बुढ़े तो आगे से हट जा, ना जी ना तुम यही खड़े रही हो। रे सुखपाल, ओ लाला सुखपाल, रे मगा कहाँ है भैया तू? रे बापू मैं तो यूरा बाथरूम के भीतर। रे मेरे यार तू तो बाथरूम के भीतर बढ़ रहा और तेरी माँ का बाथरूम बाहर निकलने को हो रहा। क्यों क्या होया? रे होता के इस अपनी बहू की हाथ में तो बंदूक खोच ले भैया, यू बगड़ में भगाओ भगाओ फिर रही तेरी माँ को। अच्छा रे रे रे, रे सुन 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 रुक रुक जा, तुम हट जाओ जी आगे से। अरे माँ अरे तन्ने के आरसी मार दी, इसके बहू को उछली फिरे सारे घर में।
भाई आर के मारती तेरी बहू का तेरी माँ, यू तो इसकी बात थी सुन सुन के डाल बिद गए जी डाल उठते भैंस। अरे बेटा अरे के मारती इस कलंकनी के, मैंने तो आई से तनसे से काम की के कह दी, इनने घर सिर पे ठा लिया। फिर बापू की गुथरा इससे बहुत है। रे गुथरा के, मैं तो इसके हाथों में था बंदूक खोच रहा हूँ भाई। खैर बापू कही तो तुमने भी कुछ ना कुछ होगी इसे, ऐसी तो ना बावड़ी बहू। रे बावड़ी यू के होती बावड़े तो हम है भाई, तू एक काम कर जा फेर के बाथरूम में बैठ जा गुलाम। भाई हम भीत पे चढ़ के देखे लग रहे, ताऊ और ताई तो इस बहू के सामने डाल नाचे है भाई जी, डाल बंदर वाले के सामने बंदर और बंदरिया नाचे है। अच्छा रे। हाँ हाँ हसले बेटा हसले, रे बहू तो माँ पे को बंदूक तान रही और बेटा दांत पाड़ रहा खजा, देखिए तेरे भी बीच में को लिकड़ेगी। अरे के लिकड़ेगी बापू, मार थोड़ी रही है वैसे ही डरा रही है तू। रे बेटा यू क्या करे, जिसने ठाली उसने मार दी, बहू को इस डाल ढील दे के तू ठीक को ना कर रहा, इसका नतीजा बुरा लिकड़ेगा, सुन ले मेरी बात। और भाई बहू वाले सभी सुन लो। इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो, सिर पे चढ़ा के इनके जूते न खइयो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो। कर जावे पार जो ये मर्यादा का बॉर्डर, कर जावे पार जो ये मर्यादा का बॉर्डर, चढ़ जा जो ऊपर ऐसे लाड ना लड़ियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो। तुम्हारे हैं ये सास ससुर ने, आज तुम्हारे हैं ये सास ससुर ने, कल को ये फोड़ देंगी थारे बिसर ने, कल को ये फोड़ देंगी थारे बिसर ने, मन चाया करने का हुक्म ना लगियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो। चढ़ा के इनको पछताओ भारी, सिर पे चढ़ा के इनको पछताओ भारी, मुश्किल में जान लोगो आ जागी थारी, मुश्किल में जान लोगो आ जावे थारी, हो जा खुआरी ऐसा काम ना सिखियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ियो। माँ बाप के जो इनको सामी करोगे,
माँ बाप के जो इनको स्वामी करोगे तुम भी उम्र भर इनकी गुलामी करोगे, तुम भी उम्र भर इनकी गुलामी करोगे। घना दुख भरोगे मुन्ना चाहे आज मैयो इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ाइयो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ाइयो, सिर पे चढ़ा के इनके जूते न खइयो रे, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ाइयो, इन बहुओं को ना सिर पे चढ़ाइयो। रे सुखपाल मगा जितनी बात मैंने तुझे समझाई तेरे दिमाग में भरी कुछ? अरे बापू दिमाग में तो सारी भरे पर क्या करूं, बीरबानी से भी डर के रहना पड़े, आज का जमाना ऐसे ही चल रहा। देखे अब एक काम कर, घरों जाके और उसे बहू को अच्छी डाल समझा दे, और ना घर का नाश हुआ पड़ा भैया इसका, और मैं चल रहा हूँ घेर में। अच्छा बापू ठीक है, चल तू घेर में चल, आज मैं समझा के देखूंगा ऐसे समझेगी तो, और ना खता खावेगी मेरा के बिगाड़। भैया समझाइए खूब। अरे उरे को सुनिए मगा, कहाँ है तू, हमें न्यू बता तू, मैं मेरी माँ ने इसलिए पाला था, अगर मेरी बहू आज तो इसमें बंदूक लेके चढ़ जाएगी। रे भली आदमन, माँ बाप औलाद की खातर कितना करे हैं, बाप जड्डे पाले में बेचारा जैसे तैसे झूठ तूफान बोल बोल के कमा के लावे है, माँ बरसों गुमू समेटे गिल्ले में खुद सोवे और अपने बालक को सूखे में सुहावे, कितना एहसान है माँ बापों का बेटा बेटी पे। अरे कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा है माँ बाप की सेवा करके सुरग यही अपना लो तुम, धर्म चार धामों से दुगुना दो धामों में पालो तुम। तुम ये उपदेश अपनी माँ ने क्यों ना सुनाते हो, जाके करे जा सारे दिन पाप। रे बेहुद्दी, माँ को बापू ने सुनाए होंगे, यहाँ तो अरट का सा चक्कर है, डोल के पीछे डोल लगा रहे। एक बात सुन लो, मैं अपने पिया से नहीं सीख के जो कुछ सीखा थारी माँ से यही रह के सीखा, लड़ना भी और बोलना भी, थारी माँ जैसी गाली थारे बापू को देवे ऐसी गाली मेरे मुँह से निकल जा। ठीक कह रही है भैया भाभी, छोटे को बड़ा सिखावे लड़ना और सासू सिखावे बहू को सामने अड़ना, जैसी रीत देखेगी वैसी रीत अपनावेगी, जब सास तार के धर देवेगी तो बहू के शर्मावेगी। भाई दिखे सियाने आदमी नु काक रहे, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अरे यार तू चुप कर, बहू को समझा ले दे थोड़ी देर। समझा ले भाई समझा ले। क्यों रे एक बात बताइए, जो तू मेरी माँ का किसी काम में हाथ ना बटवाती है, अगर तू हाथ बटवा दे तो तेरा तेल से बट जाएगा। बेटा मैं केली सारा गोबर ढोऊं और केली सारे घर का काम करूं, सारे ढोरों को मैं देखूं, यूं तो ऐसी भी ना कि मुझे भर के हेल भी ठुवा देवे। बुढ़िया झूठ मत बोले, अपने पूत के सामने सारा काम करूं मैं? अरे मेरी सुसरी, मैं झूठ बोल रही हूँ, तेरी चुटिया पाड़ लूंगी बिगड़े खानदान की। अच्छा ठीक, अभी लाए बंदूक काट के तेरी तो। अरे अरे देख ले लाला देख ले, वही मेरी सुसरी देख बंदूक लेके, रोक ले रहा इसे रोक ले, डर गई बुढ़िया।
है। मगर हमें तो नहीं बता दे, इतनी बड़ी बड़ी बात कहकर तू मेरी माँ को डरा रही है। तुझे कुछ हिल्ला विल्ला घर में करना है या नहीं? ना स्मिति, तू मने न्यू बता, जो अपनी माँ की सिखाव में भर के मेरे तेरा काम हिले की कहवे, मेरे पे इस हाल में काम हो रहा? क्यों, क्या हाल हो गया तेरा? अब तने यू बतानी पड़ेगी के हाल हो रहा मेरा, तू कुछ भी नहीं जानता, पड़ोसन से करे भुंडा भुंडा मजाक। अरे यार झड़की बात मेरी समझ में ना आती एकदम, तो बोला बड़ा आदमी हूँ। भाई लाला तेरे भोलेपन पर तो मुझे एक बात याद आ गई। के बापू? भाई एक छोरी वाला छोरा देखकर एक छोरे वाले के घर हो गया, तो छोरे वाला छोरे की तारीफ में कहने लगा, भाई मेरा छोरा बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, फिल्म नहीं देखता, मांस मच्छी नहीं खाता, अच्छा गुटका नहीं चबाता। भाई छोरियों को छेड़ने की तो बात ही के, भाई वो तो कुछ भी करना नहीं जानता, छोरा मेरा एकदम शुद्धा है। अब छोरी वाला उठते हुए बोला, बस शुद्धा के फिर तो बेहुद्धा है। देख बुड्ढा कैसे बुढ़ापे में मसकरी ले रहा है। अरे बापू हम मर्दवीर कुछ गुपत बात बता रहे, तू घेर में चला जा, अपना हुक्का पी ले, हम भी कुछ बात कर ले। दिखे नाच गए, मेरा है पाँव भारी, उम्मीद से हूँ मैं, तेरी माँ तो तेरी वंश में चलाना को ना चाहती, सोचे यू नहर के भरोटे ठावे, पानी की बाल्टी ठावे, ऊंचे नीचे में पाँव पड़े, अरे किसी ढाले इसके गड़बड़ हो। अच्छा रे। हाँ देखे मेरी सुसरी कैसे पहाड़े पढ़ा रही है, आज कर दूंगी इस बात का फैसला, अभी जा रही हूँ दाई के धोरे, तू डाल डाला तो मैं पात पात हूँ। है के कश्मीरी? आई हूँ भी, आज अंदर को आई बैठ भी, बता कैसे आई? अरे आई क्या, थोड़ी सहजगी सुनने की बात है, इंगे को आजा लवे को। आई और कितनी नजदीक को आऊं, कसम खुदा की तेरी घाघरी से मेरी सलवार तो मिल गई। देखे मेरी बहू किसी आस से है, और तू मेरे लोंडे ते जाकर न्यू कहिए के बेटा इसके ना है बाल बच्चा कुछ भी, इसके तो पेट में रसोड़ी है, तू इसका जल्दी से ऑपरेशन करवा दे। हाय ये तो गुना होगा। एक गुना गया भाड़ में, देखा जिस दिन तक बंदूक लाई है मेरी सुसरी ने मेरा पीछा घेर रखा है। कश्मीरी यू काम तो तुझे मेरा करना ही पड़ेगा, मेरे छोरे से कहनी पड़ेगी जाके। अई वो क्या है, कह तो दूंगी मैं इस तरह से, मगर कुछ ए उत्ती मैं के तेरे से फ्री में करवा रही हूँ, ले यू पकड़ 500 का नोट, पैसे कमार पाप कर। आई भी अपनी बेल अपने हाथों से ही काट रही हो, अपना जहर अपने आप ही चाट रही हो। दिखे उपदेश मत ना दे रहे कश्मीरी, नवज पकड़ के देख मेरी, डरा डरा के खवे पे चढ़ा रखी है मेरी सुसरी ने, दहेज में बंदूक के लिए आई, शेरनी बनी हांड है, और अभी तो इसका छोरा ना छोरी कुछ भी ना है, और फिर जब इसका कुछ हो जाएगा तो यह नंगनी मेरी सुसरी मुझे जीन नहीं देगी, इसके तो तलवे गट जाएंगे यहाँ। अरे भी वो तो ठीक है, बालक होने पे लुगाई मालक को भी फटकार देती है, कह देती है जहाँ जाना है जाओ, मैं तो अपने बच्चे के साथ ही टाइम काट लूंगी। ए जबी तो मैं भाग दौड़ कर रही हूँ, इस मेरी सुसरी का बालक ना होगा तो इसके कुछ तो मान घटे रहेंगे, नहीं तो अभी की तो तू पूछे मत ना, मेरी गल के कर रही है यू। अरे भी रो मत, मुझे बता तेरी बहू तेरे साथ क्या करती है, क्या कहना चाहती है तू? ले तो सुन कश्मीरो मेरी दुख भरी कहानी, तू भी सुन। बड़ी खतरनाक दूंगा तुम्हारी तो।
दुखियो, चलो मैं भी अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ना ना ना, मेरी गैल मत चले, मेरी सुसरी को शक पड़ जाएगा। बड़ी चालू लुगाई है, एक घंटे पीछे आई है। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ए आजिए, कभी पैसे लेके भूल जा। अरे बी, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी, खुदा को जान देनी है। ए दिए तो किसी को भी, पर भूल मत जाइए, आजिए जरूर। अरे है क्या भी, अरे है भी, राम भतेरी। ए हूंगी, आजा भीतर को आजा, आजा भी बिकश्मीरी, आजा ले बैठ पीढ़े पे। अरे बहू कहाँ है, अरे बहू कैसे पड़ी है अंदर को। माँ जी सलाम करूं। अरे सलाम क्यों करे, काम कर, चाय बना के लेके आ जरा जल्दी से। पर माँ जी मेरे पे तो एक के बताऊं बे बेकश्मीरी, मारी बहू की तबीयत खराब है। ए दिखा ले बहू, अपना पेट दिखा ले से कश्मीरी को यू आई है। ओहो, इसमें भी बुढ़िया की कोई चाल है। ठीक है, देख देवेगी, भेज दे भीतर ने। हाँ बहू, लेट सीधी होकर ले लेटगी। ए पैर सीधे कर, पैर मोड़ के लेटी हुई है। पैर तो सीधे कर, पेट देखूंगी तेरा। पैर एक हाथ लगा रही है। ए पेट देख रही हूँ। तेरे पेट में तो रसोली है। ये क्या रसोली है, अरे कल तो मैं डॉक्टर के गई थी, अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने, वो तो न्यू कह रही तेरे पेट में छोरा है। न्यू कह रही है कि रसोली है। सच सच बता दे, तुझे किसने सिखाया? तुझे पता है मेरे बापू थानेदार है, जेल करवा दूंगी तेरी। अरे बेटे, इसमें मेरी तो कोई गलती ना। देख बेटे, तेरी सास ने मुझे लालच दिया था, 500 का नोट दिया था, और मैं भी उसके बहकावे में आ गई। देख बहू, मुझे तो तू माफ कर दे। लिकार फटाफट 500 का नोट दे जल्दी। एल एम जो क्या करना, ले तू रख ले भी। अरे चुप के अपने घरों चली जा, नी बुढ़िया तेरे टेंट में दबा दूंगी अभी। ए बताती तो जा अन्यान, ए ठहरिए तो सही। ए मुझे टाइम नहीं है, फिर बताऊंगी तुझे। ए लेगी मेरी सुसरी फ्री के पैसे? अच्छा, मेरी शौक मैं बताऊंगी तने, मेरी बंस बेल मिटाना चाहे सारी बतागी मने यो दाई। हाँ, के शिकायत था ना उस दाई को? ए मैं के बताती, ये तो मेरी सुसरी मेरा ही फजीता करवागी। ए मैं क्यों शिकायती उसे, मगर तेरे घाघरे ने पाड़ दूंगी बुढ़ी भैंस। ए क्यों पाड़ दे रहा कि तू मेरे घाघरे को, सांच को कह आ जा, आ जा, ले तेरे पिछोंडे पे बेलन मारूंगी अभी दबा के। अच्छा ठीक है, मार बेलन, ला रही बंदूक काट के। अरे अरे देखियो, मेरी सुसरी के चाड़े पाड़ रही है लंका। अरे मगा फेर बजा दिया के युद्ध का डंका, हराम खानी। ए बेटी, तू जो मंदारी की ढाल अपनी बंदूक की नोक पे इस बुढ़िया को नचा रही है, हमें जड़ के मरने का ड्रामा दिखा रही है। आखिर तू चाह के रही है, कम से कम हमें कुछ बताया तो दे एक बार। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ अपने पिताजी के मकान के कागज, जो तब मेरे बापू से लाया था दहेज में मांग के। अरे कागज तो तुम्हारे मकान के भी ले ले, पर लड्डो हमें माफ कर दे, हमने ब्याह समारोह कोई ना करा था, अक महरी कुत्ता खचेड़ होती फिर है मोहल्लो में। पर यू बात तो तमी तो कह रहे हो, यू बुढ़िया तो कुछ न बोल रही। ए मैं के बोलू, जब तू बंदूक तान ले वह गैल ना, तो मैं के सब तब हारू, मैं के अपनी छाती पे धर के ले जाऊंगी कागजों ने, चिता तो फिर भी लकड़ियों में ही जलेगी। और दिखे बहू, हमें तू माफ कर, अयू नंग न चाणा छोड़ दे, मारे बस की बात यू सहनी है कोई ना, और ये ले अपने कागज। माफी तो तुम्हें मेरे माँ बाप से मांगनी पड़ेगी। समधी जी राम राम, राम राम जी राम राम, समधन जी राम राम, राम राम जी राम राम, आओ बैठो। बस समधी जी, थारी तो उम्र बहुत ज्यादा है जी। क्यों? हम तो तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा बेटी गुड़िया तो ठीक है? पिताजी मैं तो, मैं मेरे ससुराल वाले भी ठीक हो गए आज। अच्छा कैसे? हाँ यो लो घर के कागज है। समधी साहब ये तो लो अपने घर के कागज, और जो जुर्माना हमारे पे करना चाहते हो जी उसे बता दो। भला समधी जी यू के बात कह रहे हो तुम, बेटी के घर का तुम पानी भी नहीं पी सकते, और तुम कर रहे हो जुर्माने की बात। देखे मारी तो थारी बेटी ने आँख खोल दी समधी जी। कैसे? हम तो दहेज की धुन में अंधे हो गए थे, हमें तो तुम माफ कर दो जी। देखो जी, माफ तो करेगा भगवान सब है, हमें तो खुशी इस बात की है कि तुम सुधर बोता होलीगे। बस जी समधी जी, सुधरते तो हम कोई ना, पर थारी बेटी ने बंदूक की नाल पे सुधार दिए हम,
बड़ा कमाल दिखाया था छोरी ने बंदूक का। अब बेटी दी के एक काम कर, अनजाने में तेरे मुंह से भी कोई गलत बात निकली होगी इनके लिए, अपने सास ससुर से माफी मांग। पिताजी और माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं भी बस थारे से यूं ही चाहूं थी, बाकी मेरा भी थारे से कोई बैर थोड़ी है, इस बात को तो मैं भी जानू हूँ, सास ससुर मात पिता के समान ही हुए। ए बेटी माफ तो तन्ने हम कर दिया यूं ही बतेरा, ना तो मैं तो न्यू मानने करू थी कही बहु मुझे मार के ही छोड़ देगी। और समझ जी देखिए एक बात और है, अगर इस ढाल के सास ससुर जमाने में रहेंगे दहेज मांगने वाले, तो जैसे हमारी छोरी बंदूक लेके दहेज में इस बात से भी प्रेरणा लो, आगे सबकी छोरी कोई कट्टा कोई बंदूक कोई पिस्टन कोई गोले लेकर आया करेगी। हाँ भाई समझे जी कह तो तुम सही रहे हो बिल्कुल बात ही। और मैं तो नहीं कहूँ जितने भी हैं सुनने वाले आ रहे हैं, ये समाज में जितने भी सुनने वाले हैं मेरी बात पे अगर गौर करें, दहेज का जो लालच फैल रहा ना दुनिया में, बात के इससे बचो। एक काम की बात समझा के जा रहा हूँ जाता जाता। दुनिया लालच में फसगी, दुनिया लालच में फसगी, बिगड़ा सबका हाल। दान दहेज की चली बीमारी जब मैं बूंदी डाल, दुनिया लालच में फसगी, बिगड़ा सबका हाल। दान दहेज की चली बीमारी जब मैं बूंदी डाल, दुनिया लालच में फसगी। अभिशाप दहेज कलंकित इससे दुनिया सारी है, अभिशाप दहेज कलंकित इससे दुनिया सारी। कन्याओं के पक्ष में यू अपराध है सबसे भारी, हो माँ बापों की बढ़े लाचारी, खेच जावे खाल। लालच में फसगी, बिगड़ा सबका हाल। दान दहेज की चली बीमारी जग में बूंदी डाल, दुनिया लालच में फसगी। करके साहस भर के जग से इसे हटाओ, हिम्मत करके साहस भर के जग से इसे हटाओ। करके मांग किसी के भैया मत न मान घटाओ, हो किसी की बेटी ने जब ब्याह हो करो अपनी का ख्याल। दुनिया लालच में फसगी, बिगड़ा सबका हाल। दान दहेज की चली बीमारी जग में बूंदी डाल, दुनिया लालच में फसगी। एक तो बेटी की हो विदाई काल जा पटने, एक तो बेटी की हो विदाई लगे काल जा पटने। ऊपर से दी जान काट बेटे वालों की हटने, हो लगे नाड़ सी कटने मांगे जब मुंह भर के माल। दुनिया लालच में फसगी, बिगड़ा सबका हाल। दान दहेज की चली बीमारी जग में बूंदी डाल, दुनिया लालच में फसगी।
धंधा केवे मुरना बाज सिहानी है हानी का धंधा लालच में फंस के हो जा खोवाड़ा भी अंधा हो पड़े पाप को फंदा पाँव में करो लोभ की ताल दुनिया लालच में फंस गई बिगड़ा सबका हाल दान दहेज की चली बीमारी जग में बूंदी डाल दुनिया लालच में फंस गई बिगड़ा सबका हाल दान दहेज की चली बीमारी